खट्टर साहब की सरकार खटारा हो चुकी है और वहां से पढ़ के मुख्यमंत्री बने, परंतु स्कूल की हालत सुधार नहीं पाई। आज पानीपत के अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे हैं और एक पर्चा इनके हाथ में अखबार की कटिंग है जिसमें मुख्यमंत्री जो सूबे के हैं, मैं ये कह रहा हूँ खट्टर साहब की सरकार खटारा हो चुकी है, ये इनके स्कूलों की हालत है। ये मुख्यमंत्री जी के बचपन का स्कूल है जहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, बचपन पढ़ा और वहां से पढ़ के मुख्यमंत्री बने, परंतु स्कूल की हालत सुधार नहीं पाई। आप बाहर से देखें सारा प्लास्टर उतरा हुआ है, सड़क टूटी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा के अंदर कानून के बजाय गुंडा राज हो चुका है। बच्चों को नौकरियां मिल नहीं रही, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। और जब हमने 1 MLA 1 पेंशन का कानून पंजाब में बनाया, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि पूरे देश के अंदर हम केवल 1 पेंशन लेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर हरियाणा के अंदर, आम आदमी पार्टी के लीडर निर्मल सिंह ने अपनी 3 पेंशन सरेंडर करी, 1 पेंशन रखी। जब मनोहर लाल जी से पत्रकारों ने पूछा कि आप भी 1 पेंशन का मामला लागू करें, तो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा कहते हैं भाई तुम मुझे गाली दे लो, पब्लिक का तो काम करो। पब्लिक का काम नहीं कर रहे, खटारा सरकार बन चुकी है। एक लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, नगर निगम के अंदर सोशल मीडिया पर बैन किया गया है। देखिए, जब खटारा सरकार बनते ना, अपने दोषों को छुपाने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता को बैन करती है, कहीं इनके दोष उजागर ना हो, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। हरियाणा से नहीं, पंजाब में जो वायदे किए एक एक वायदा पूरा करेंगे। चलिए, तो ये थे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। और हालांकि कर्ज माफी की बात करें तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी उस टाइम पे किसानों को लुभाने के लिए उन्होंने भी तमाम दावे किए थे, लेकिन आज तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। और राज्यसभा सांसद कर्ज माफी का जो मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया था आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब के अंदर, उस सवाल पर बसते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे, या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे। गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।